हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त, महाबली, बजरंग बली जैसे कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को चिरंजीवी भी कहा जाता है। चिरंजीवी का अर्थ है अमर। कहा जाता है कि वो आज भी धरती पर मौजूद हैं और अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंग बली को चिरंजीवी होने का वरदान किसने और क्यों दिया था? आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को अंगूठी दी थी, तब माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। वहां से आने के बाद हनुमान जी ने रावण के साथ युद्ध लड़ने के लिए श्री राम का साथ दिया और वापस अयोध्या लौटकर भी उन्होंने श्री राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी। वो प्रतिदिन एक परम भक्त की तरह उनकी सेवा करते थे। लेकिन जब भगवान राम ने जग छोड़ने का विचार किया तो ये सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और वो अपना दुख लेकर माता सीता जी के पास पहुँचे। हनुमान जी ने माता सीता से कहा, माँ, आपने मुझे अमर होने का वरदान दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि जब मेरे प्रभु राम इस धरती से चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। इतना कहने के बाद हनुमान जी माता सीता जी से वरदान वापस लेने की जिद करने लगे। तब माता सीता ने श्री राम जी का ध्यान किया और वहां भगवान राम प्रकट हुए। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा, पृथ्वी पर कोई भी प्राणी अमर नहीं है, लेकिन तुम्हें ये वरदान मिला हुआ है, क्योंकि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा तब तक आप ही राम के भक्तों का उद्धार करेंगे, उनको हर मुसीबत से बचाओगे और पापियों का नाश करोगे, इसलिए आपको सदा इस धरती पर रहना है। अपने प्रभु की बात सुनकर हनुमान जी ने अपनी जिद को छोड़ दिया और इस वरदान को श्री राम जी की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी धरती पर वास करते हैं और भगवान राम के भक्तों की तकलीफों को सुनते हैं और उनका बेड़ा पार लगाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हनुमान।